पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई और बैठक के बाद महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसदों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। चीन के मुद्दे पर राजीव शुक्ला हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से अभी तक सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने से बचती आ रही है, क्या कहना है आपको? यही चिंता का विषय है कि सरकार को जो है ना इस मामले पर खुल के बोलना चाहिए, सदन को बताना चाहिए, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, देश को विश्वास में लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप देश और सदन को विश्वास में नहीं ले रहे तो इसका मतलब कि आप सही स्थिति नहीं रख रहे हैं। विपक्ष से क्या चाहता है कि आप एक वस्तुस्थिति के बारे में बताओ और चर्चा कराओ ताकि सब अपने विचार दे सकें। पूरा विपक्ष भारतीय सेना के साथ है, भारतीय जवानों के साथ है, सरकार को सहयोग करने को तैयार है, लेकिन सरकार मौका तो दे इस पर चर्चा कर। सरकार की दलील है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने दोनों सदनों में बयान दिया जो वो एक इंसिडेंट पर उन्होंने बयान दिया था। यहाँ पे चीन पे व्यापक चर्चा की, क्या कूटनीतिक कदम आप उठा रहे हैं, क्या डिप्लोमेटिक कदम आप उठा रहे हैं, वो तो सरकार को बताना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।